नमस्कार, मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। भारत जब हिंसा, अशांति, अंधविश्वास, अधर्म और रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसी समय सन 569 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के क्षत्रिय राजा शुद्धोदन के राजकुमार ने जन्म लिया, जिसने न केवल किसी एक क्षेत्र को बल्कि पूरे विश्व को बदल कर रख दिया और शांति अहिंसा को पूरे संसार में फैला दिया। जी हाँ, आज ही के दिन यानी वैशाख मास की पूर्णिमा को इन महान विभूति यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, या यूं कहें ना केवल जन्म हुआ था बल्कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। बोध धर्म जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की, जिसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भगवान बुद्ध को समर्पित आज का दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा खास महत्व रखता है। भारत के अलावा बुद्ध पूर्णिमा और भी कई देशों में मनाई जाती है। इन देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलते हुए उन्हें अपना भगवान मानते हैं। इन देशों में चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया प्रमुख है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इस अवसर पर भव्य मेला लगता है, जहां सारे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा का हर्षोल्लास जारी है। वहीं यूपी के वाराणसी स्थित सारनाथ भी बौद्ध भक्तों के लिए अस्थि दर्शन के प्रबंध को लेकर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर उनकी उपदेश स्थली सारनाथ में बौद्ध अनुयायी उनके अस्थि अवशेष के दर्शन कर पाएंगे। महाबोधि सोसाइटी की ओर से बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इस बार 5 मई को उनकी 2667वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोग भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन कर पाएंगे। सारनाथ के मुलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में यह अस्थि कलश रखा जाएगा, जिसके दर्शन श्रद्धालु पूरा दिन कर सकेंगे। सारनाथ से भगवान बुद्ध का नाता बेहद पुराना है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। भारत के ऐतिहासिक विरासत का जीता जागता उदाहरण सारनाथ का जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी खास महत्व है। यूपी में बौद्ध धर्म की महत्ता को लेकर सरकार भी काफी सक्रिय है, जिसका रिजल्ट बौद्ध सर्किट के निर्माण के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल भारत 8 में से 7 बौद्ध स्थलों का घर है। इन सभी दर्शनीय स्थलों को जोड़ने के लिए और इनकी मिट्टी अस्मिता को बचाने के लिए बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। बौद्ध सर्किट का विकास स्वदेश दर्शन योजना का एक हिस्सा है। साल 2014 में भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। दरअसल बौद्ध सर्किट बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों के स्थान है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, पहले उपदेश दिया और फिर निर्वाण प्राप्त किया। इन स्थानों में शामिल महाबोधि मंदिर, अशोक स्तंभ वैशाली, सुजाता कुटीर, केसरिया स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े बौद्ध परिपथों के तीर्थ स्थान है। कई अन्य स्थल भी हैं जहां भगवान बुद्ध ने अपने परिवर्तन के बाद अपने जीवन के दौरान यात्रा की, जो कि वर्तमान में मनुष्यों के बीच गहरी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। पर्यटक आज भी इस बौद्ध सर्किट के माध्यम से बौद्ध धर्म की भव्य सुंदरता और बौद्ध धर्म की महानता का अनुभव और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।